सेरेंगेटी की सरजमी पर किसी भी जानवर के लिए जिंदगी जीना आसान नहीं है, फिर चाहे वो जानवर कमजोर हो या सबसे ताकतवर। वैसे तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क में हर जानवर की अपनी एक कहानी है, पर कुछ जानवरों की कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जिसे सुनते ही मन करता है कि ऐसी कहानी को तुरंत फैक्ट लिमिटेड चैनल से जुड़े हर एक सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। सेरेंगेटी की सरजमी पर पल रहे शेरों के एक ग्रेट प्राइड की अगर कोई जान है तो वो है प्राइड की दमदार शेरनिया। पर शेरों के प्राइड में जितना इम्पोर्टेंट रोल शेरनी का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल शेर का भी होता है। नर शेर अपने पूरे प्राइड को बाहरी खतरों से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शेरनिया उनके प्रति वफादार रहेगी। लेकिन ग्रेट प्राइड से एक शेरनी गायब है जिसका नाम है काली। काली के चार बच्चे हैं जो कि उसके झुंड के शेर के नहीं बल्कि एक बाहरी शेर के बच्चे हैं। जब काली जान जाती है कि उसके बच्चों को उसके प्राइड से मिलाने का वक्त आ गया है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या काली और उसके बच्चे जिंदा बच पाते हैं या नहीं, और जानते हैं कि काली अपने बच्चों को बचाने के लिए कितनी कोशिश करती है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि मेरे चैनल से और यूट्यूब से जुड़े हर एक सवाल का जवाब आपको मिल सके। जरा एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि जब मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई कर सकता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे इंस्टाग्राम पर भी आपके सवालों के जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो देखने के बाद फैक्ट लिमिटेड को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। ग्रेट प्राइड के शेर जब काली और उसके बच्चों पर हमला कर देते हैं, तब काली खुद को और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो अपने बच्चों को बचाने के खातिर झुंड के दो नर शेरों से भी लड़ती है और किसी तरह खुद को और अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाती है, पर साथ ही साथ उसे झुंड से बाहर भी निकाल दिया जाता है। अब झुंड के तरफ से काली और उसके बच्चों के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन काली में जब तक जान है तब तक वो अपने बच्चों की हिफाजत करती रहेगी। किसी भी लायन के लिए अकेले शिकार कर पाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, पर खुद को और अपने बच्चों को बचाने के खातिर काली ऐसी मुश्किलों का सामना करने के लिए पीछे नहीं हटेगी। वो ना केवल शिकार करने की हिम्मत करती है बल्कि शिकार करने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन सेरेंगेटी की सरजमी पर कामयाबी ज्यादा देर तक नहीं छिपती। सेरेंगेटी के जिस भी इलाके में शिकार हो चुका हो उस इलाके में गिद्धों का मंडराना शुरू हो जाता है, ऐसे में बाकी जानवर भी चौकन्ने हो जाते हैं। हाइना के झुंड के सभी मेंबर एक दूसरे का ध्यान बहुत रखते हैं और किसी भी हाइना के झुंड पर मादा हाइना का ही राज चलता है। जलीका नाम की मादा हाइना की माँ, जो कि एक हाइना झुंड की मुखिया है, काली ने जिस इलाके में शिकार किया था उस इलाके के आसपास ही जलीका की माँ और उसका झुंड मौजूद है, जो कि किसी भी वक्त काली के शिकार को लूटने और उसके बच्चों को मारने की कोशिश कर सकते हैं। जो शिकार काली ने किया था वो शिकार हाइना के झुंड के काफी करीब है, जिसकी गंध हवा के जरिए हाइना तक पहुंच जाती है। उसके बाद वो हाइना उस गंध का पीछा करते करते काली और उसके शिकार तक पहुंच जाता है। एक अकेला हाइना काली का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जहां एक हाइना आ चुका हो वहां उसकी टोली भी आ सकती है, और ये बात काली अच्छे से जानती थी। इससे पहले कि काली अपने शिकार को ठिकाने लगा पाती, उस एक अकेले हाइना के पीछे उसकी टोली भी आ जाती है। काली को देखकर तो लग रहा था कि वो हाइना के पूरे झुंड का भी सामना कर लेगी, लेकिन हाइना के झुंड की नजर काली की सबसे बड़ी कमजोरी पर पड़ जाती है, यानी काली के बच्चे हाइनास की नजर में आ जाते हैं। जलीका के पास उसकी माँ की मदद करने का मौका है, लेकिन एक शेरनी से मुकाबला कैसे करना है इसका तजुर्बा जलीका के पास नहीं है। लेकिन जलीका की माँ जानती है कि मत दिखाओ और खतरे का मुंह तोड़ जवाब दो। काली ने जितना हो सके हाइनास का सामना करने की कोशिश की। कुछ देर बाद काली जान चुकी थी कि वो इस लड़ाई में हाइनास से नहीं जीत सकती। अगर काली और कोशिश करती है तो वो खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी गवा सकती है। अगर एक शेरनी अपने बच्चों को बचा
बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकती है तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी हार भी स्वीकार कर सकती है। अगर किसी शेरनी के बच्चे भूखे हो तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है। काली के बच्चे अपनी आँखों के सामने अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देखते है। वार्थोग पूरे दमखम के साथ काली का सामना करता है, जिसके चलते काली को अपना इरादा बदलना ही पड़ता है और वो वार्थोग का शिकार किए बिना ही पीछे हट जाती है। काली कई दिनों से भूखी है और बहुत ही जल्द उसका दूध बनना भी बंद हो जाएगा, जिसके चलते उसके बच्चों की जान भी जा सकती है। जो जीव एक समय शिकार हुआ करते थे, वही जीव काली को अकेला देखकर जानलेवा दुश्मन बन चुके हैं। बफेलो का झुंड काली और उसके बच्चों पर हमला कर देता है। इस हमले में काली के सभी बच्चे मौत को बहुत ही करीब से देखते हैं। कुछ बच्चे तो लगभग भैंसों के पैरों तले आने ही वाले रहते हैं, लेकिन वे जिगजैग रनिंग करके किसी न किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन सभी बच्चों में से सबसे छोटा बच्चा गायब रहता है। उसकी माँ उसे तलाशने की पूरी कोशिश करती है, उसे आवाज लगाती है, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आता। पर कुछ देर बाद उसकी माँ उसे झाड़ियों के बीच में से ढूंढकर निकाल ही लेती है। बच्चा सुरक्षित रहता है। कहीं ना कहीं वो भैंसों के जानलेवा हमले से डरकर छुप गया था। काली अपने बच्चों को बाहरी खतरों से तो बचा लेती है, पर उस खतरे का क्या जो दिन पर दिन बड़ा आकार लेता जा रहा है, यानी भूख, जो कि दिन पर दिन काली और उसके बच्चों पर हावी होती जाती है। भूख के कारण काली ना केवल थक जाती है बल्कि कमजोर भी हो जाती है। तभी उसे खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए एक मौका और मिल जाता है। शायद ये काली का आखिरी मौका भी हो सकता है। इस बार भी काली के बच्चे उसकी माँ को शिकार करते हुए देखते रहते हैं। काली जिस जेब्रा का शिकार करने के लिए उस पर अटैक करती है, वो जेब्रा कुछ ज्यादा ही ताकतवर रहता है। इसके बावजूद भी काली उसे जी जान से मारने की कोशिश करती रहती है कि तभी अचानक से काली की बहन पीछे से आकर जेब्रा पर अटैक कर देती है। अब दो शेरनियों के शिकंजे से जेब्रा का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। काली की बहन ने भी हाल ही में बच्चों को जन्म दिया है। इससे बड़ी राहत की बात काली के लिए और क्या हो सकती है। दो शेरनियों के आपस में मिल जाने से ताकत दो गुना बढ़ जाती है, यानी अब दो बहनें मिलकर अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने में पीछे नहीं हटेगी। तो दोस्तों, काली को देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि दुनिया की ऐसी कोई भी हद नहीं जिसे एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए पार नहीं कर सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।